So we are looking at question number 29. Question 29 of sample question paper 2023 of CBSE Maths Standard of 10th Standard. ठीक है, तो अभी यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 29. ओके, प्रूव द फॉलोइंग. टैन क्यूब थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू समथिंग. क्या है समथिंग? वो सेक थीटा कोसिक थीटा. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ये क्लिक नहीं हुआ क्वेश्चन तो ये डूब गया क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. मतलब इसमें जो ट्रिक इन्वॉल्व है वो 8th स्टैंडर्ड के अल्जेब्रिक आइडेंटिटी से उठाना है. ठीक है, ट्रिगो का काम है ही नहीं इस क्वेश्चन में. देखो LHS क्या है, टेन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, एंड व्हाट इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट क्यूब थीटा क्या होता है, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, एंड व्हाट इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये कट जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में केवल कॉस थीटा बचेगा, प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो ये कटेगा तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा बचेगा. तो दिस इज साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा. एंड नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. ये जो स्टेप कर रहा हूँ इसके बाद इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन रेज टू फोर थीटा प्लस कॉस रेज टू फोर थीटा एक्सक्यूज मी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. और ये जो न्यूमिरेटर है ये अलजेब्रा वाला काम है. तो इसके लिए अपने को अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, वो लगानी है अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर के लिए, विच इज ए रेज टू फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू फोर. ओके, तो यहां पे देखो साइन रेज टू फोर थीटा प्लस कॉस रेज टू फोर थीटा, और यहां पे क्या है टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर. देयरफॉर व्हाट इज साइन रेज टू फोर थीटा प्लस कॉस रेज टू फोर थीटा, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये वर्किंग दिखाना है, ये वर्किंग दिखाना है, जो ब्लू में लिखा है वो दिखाना है. ठीक है, और इसको इक्वेशन देना है वन, देयरफॉर, और इसको देंगे हम टू, और इसको देंगे हम वन मे बी, और इसको देंगे हम टू. देयरफॉर
फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा क्या आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा स्प्लिट कर दिया मैंने. क्या फंडा लगाया मैंने a माइनस बी अपॉन सी इज a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी. व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इट इज कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 2 ये गया माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. लेकिन प्रूव क्या करना था इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव. तो ये आइडेंटिटी यूज करना है, ये आपको टाइम पे क्लिक करके इसको सॉल्व करना है. ठीक है ओके. सो दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो.